हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान के ललित बस स्टैंड सद्भावना पूजा समिति में, और आप देख सकते हैं सिवान में जो यहां पे मथुरा का बरसाना का जो कीर्ति मंदिर है उसे कैसे उतारा गया। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं सामने कितना बड़ा विशाल मंदिर, जो मथुरा बरसाना का यह मंदिर है कीर्ति मंदिर, और उसे यहाँ पे सिवान की धरती पर उतारने का काम किया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें और बहुत सुंदर जो इसकी नकाशी की गई है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी हुए, जैसे कि हम पहले भी पहुँचे हुए थे दुर्गा पूजा के पहले जो तैयारी चल रही थी, तकरीबन 25 लाख की लागत से ये पंडाल बन करके तैयार हुआ है। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, अंदर हम चलेंगे भी। कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे पूजा पंडाल पे घूमने के लिए, कीर्ति मंदिर सिवान का सबसे बड़ा पंडाल है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, मेला यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक मेला लोग देख रहे हैं। कहाँ कहाँ अभी आप लोग पहुँचे थे, किन किन पंडाल? अभी हम लगातार हम आ रहे हैं यहाँ पे मेला देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मेला। बताइए क्या कहेंगे कीर्ति मंदिर के बारे में? बहुत भव्य बना है, बहुत सुंदर बना है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। सिवान में ही आप लोग निकले हैं या फिर और भी कुछ जगहों पे? ना अभी तो फिलहाल हम सिवान में। सिवान में कहाँ कहाँ घूमे? हम सभी जगह लमसम घूम चुके हैं। सिर्फ यहीं पे? ना सभी जगह घूम चुके, सभी जगहों पे। कहाँ का अच्छा भव्य पंडाल लगा है और मूर्ति कहाँ की? तो यही कीर्ति मंदिर दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। और मूर्ति कहाँ की अच्छी लगी है? सभी जगह ठीक ही है। हाँ बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, हालांकि अंदर हम चलेंगे, फिलहाल पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का पंडाल बनाया गया। कुछ महिलाएं हैं परिवार के साथ आई हुई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा इधर आ जाइए, बात कर लें, कैसा लग रहा है बताइए आप पंडाल पे? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कि सच में मंदिर में हम लोग आ गए हैं। हाँ मंदिर में तो आई है, लेकिन यह है कि मथुरा के कीर्ति मंदिर को सिवान में उतार, हाँ वो लग रहा है कि ये मथुरा का ही मंदिर है, लग रहा है। हाँ एकदम बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रहा है, देख बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ और आप लोग जाकर के पूजा? पहले यही आए हैं। हाँ अभी से आने के बाद से क्या कुछ ठीक लगा है? बहुत अच्छा जो भी बना है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच हम लोग मथुरा आ चुके हैं। और भीड़ भी बहुत ज्यादा आज मेले? हाँ हाँ काफी भीड़ है देखने के लिए। हाँ क्या कुछ प्रोग्राम है बताइए, और मेले में कहाँ कहाँ यही कौन है? हाँ हम लोग को बरहड़िया, वहाँ भी बहुत अच्छे पंडाल बने हुए हैं, यहाँ का तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा कि यहाँ पे आने के बाद से? पंडाल बहुत विशाल है, मूर्ति है, कैसा? हाँ अभी तो अंदर नहीं गए, बट बाहर से ही लग रहा है कि हम जहाँ यहाँ ओरिजिनल नहीं देख पाए, लेकिन लग रहा है कि उसी को यहाँ देख लिया हम लोग। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे तमाम जो लोगों की भीड़ है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूजा पंडाल पे भीड़ है, सेल्फी भी लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सेल्फी का भी जो सिलसिला है वो जारी है। अपने कैमरा पर्सन जो आशीष हैं इनसे हम चाहेंगे, बताइए क्या कुछ बता रहे थे आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए? क्या बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ, पंडाल भी बढ़िया है और मूर्ति बहुत अच्छा, भीड़ भाड़ है, अच्छा लग रहा है देख करके। कहाँ से आप आए हूँ? छपरा से आए हैं। क्या यहाँ पर आके पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? नहीं छपरा सदर में जॉब करते हैं, घर सिवान में पड़ता है। सिवान में कहाँ कहाँ? अभी छपरा में, छपरा में पंडाल विशाल बना है या सिवान में बना है? सिवान में विशाल है, हाँ छपरा में इतना हाथी नहीं है। सिवान में और कहाँ कहाँ आप घूमे? सिवान में फर्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं, अब जाएंगे उधर। हाँ चलिए बिल्कुल अब जाएंगे उधर, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि पंडाल को दिखाएं, और देखिए कितनी बारीकी के साथ काम की गई है, ये सब थर्मोकोल का काम है। आपको बता दें कि जब पूजा की तैयारी चल रही थी उसके पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, और उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे थर्मोकोल को मंगाया गया था, और बंगाल के कारीगर के द्वारा इसकी कटाई उस समय चल रही थी और उस समय काम हो रहे थे। गुंबज आप देख सकते हैं या फिर कृष्ण भगवान को आप देख सकते हैं, जो कीर्ति मंदिर लिखा हुआ है उसके अंदर में कैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान यहाँ पे है, और ठीक नीचे आप देख सकते हैं गणपति बप्पा को वहाँ पे दिया गया है। कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाज में जब पूजा की शुरुआत होती है तो फिर वहाँ पे गणेश भगवान से भी से श्री गणेशाय करके उसकी शुरुआत की जाती है। और ऊपर आप गुंबज भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो कटिंग जो की गई है, बिल्कुल काफ़ी महीन काम की गई है और इसमें काफ़ी वक्त लगा है। पूजा समिति के लोगों से जब बातचीत उस समय चल रही थी तो उनका कहना था कि 25 से 30 लाख की लागत से यह सब कुछ बना हुआ है, और सामने आप देख सकते हैं कि सद्भावना दुर्गा पूजा समिति लिखा हुआ है। बहुत सारे युवा
बहुत सारे लोग परिवार के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, पंडाल का भी जायजा ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके अलावा ये लोग पूरे परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, चाहे वो प्रवेश द्वार हो या फिर निकासी का द्वार हो, और प्रशासन की भी व्यवस्था इसमें की गई है। तो कैमरा पर्सन आशीष है, चारों तरफ कैमरा को एक बार राउंड करके दिखा भी रहे हैं, तमाम युवा तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। अंदर की तरफ हम चलेंगे और वहाँ से चलकर हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो कीर्ति मंदिर जो बनाए गए हैं उसमें अंदर क्या कुछ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, महिलाओं की भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप सीधा ये आप देख रहे हैं, हम आपको सिवान के ललित बस स्टैंड से दिखा रहे हैं, सद्भावना पूजा समिति जो है अब वहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा, कैमरामैन से चाहेंगे कि आगे की तरफ आ जाए, बहुत ज़्यादा भीड़, शायद किसी और पंडाल में इतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी जो कि इस पंडाल में इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। क्या कहेंगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अरे बाप रे, भीड़ की वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं, भीड़ की वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पंडाल को देख के मतलब अंदर से बहुत देख करके खुश है, बहुत खुश है यार। अंदर से कितने देर से लाइन में लगी हुई है? लगभग 20 मिनट। क्या लग रहा है, नंबर आएगा माता रानी का दर्शन करने? अब देखिए दर्शन करने आए हैं, मिल भी जाए कहीं। अभी यहीं पे आ रहे हैं कि और कुछ जगहों पे? नहीं, बहुत सारे जगहों से होके आ रहे हैं, लेकिन कहाँ का पंडाल या फिर मूर्ति अच्छा लगा? अभी तो सबसे अच्छा हमको यही लग रहा है कीर्ति मंदिर जो ललित बस स्टैंड में है अभी। इसके बाद का क्या प्लान है, कहाँ जाना है? अब आगे अब हम बता नहीं सकते। बिल्कुल आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है इसमें, और हम वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह पे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं ताकि दिक्कत ना हो सके, किसी को परेशानी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज दशमी का दिन है और तमाम पूरे शहर की अगर बात कर ले तो सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरे परिवार के साथ लोग उतर गए हैं मेला घूमने के लिए। और ये ललित बस स्टैंड में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी आप भीड़ देख सकते हैं। अंदर पंडाल में हम हैं और पंडाल का जायजा लेने के बाद से फिर हम बाहर की तरफ चलेंगे, कुछ समिति के सदस्यों से भी हम बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि यहाँ का जो पंडाल है ललित बस स्टैंड का, वाकई में जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। देखिए भीड़ में लोग यहाँ पर चल रहे हैं, बच्चों को लेकर भी चल रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अब माता रानी के दरबार में हम लोग पहुँच चुके हैं, माता रानी का दर्शन यहाँ से हम लोग कराएंगे, माता रानी का दर्शन हम लोग कराएंगे। और आप देखिए वॉलंटियर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, सामने भी देखिए वॉलंटियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और माता रानी आप देख सकते हैं कि वहाँ विराजमान है। और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वर्मा जी खुद यहाँ पे तमाम लोग लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। प्रशासनिक भी व्यवस्था है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सामने माता रानी विराजमान है, कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं, समिति के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वर्मा जी, भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए समिति के लोगों से बात थोड़ा सा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी समिति के लोगों से बातचीत होगी। हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और बाहर आकर के समिति के लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार भीड़ को किस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, परिवार के लोग बच्चों को लेकर के अगर आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन से हम चाहेंगे दिखाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसमें आ रहे हैं। ललित बस स्टैंड सिवान आपका हार्दिक अभिनंदन करती है आयुष कुमार की तरफ से, किस जगह का सहयोग रहा? तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, कुछ और भी चलेंगे लोगों से, कमिटी के लोगों से बातचीत करेंगे। शंकर प्रसाद जी की
कमेटी के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे तमाम लोग पहुँच लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस भीड़ को यहाँ से कम किया जाए। अब भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे एक बार दिखाएं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। जब ललित बस स्टैंड में हम लोग पहुँचे हुए हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ पे आए, बताइए क्या कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा आज भीड़ है यहाँ पे। हाँ, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, कारण यह है कि शहर में और कहीं पंडाल इस तरह का व्यवस्थित नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि मौसम अच्छा है, मौसम ने हम लोगों को सहयोग किया और व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा और हम लोगों के द्वारा व्यवस्था भी अच्छी है, इसलिए आम पब्लिक यहीं आ रही है। भीड़ क्या लग रहा है, कब तक भीड़ रहेगी, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अनकंट्रोल भीड़ है? नहीं नहीं, अनकंट्रोल नहीं है, बस आप लोगों का सहयोग, आप लोग कंट्रोल करके रखे हुए, ये हमारा काम है। हाँ, आप लोगों के मीडिया का भी हम लोगों का सहयोग है। ऐसा लग रहा है ये इतना भव्य पंडाल, दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं। हाँ, ये दरौली तक लोग आए हुए, दरौली तक के सिसवन तक आए हुए हैं। विपिन जी, भीड़ बहुत ज़्यादा है जी? भीड़ तो हर साल होता है, भीड़ लेकिन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसमें, और सभी जनता का जो माँ का श्रद्धांजलि है उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है, सब लोग आ रहे हैं और माता का दर्शन करके निकल रहे हैं। चलिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे एक बार पंडाल के नज़ारे को दिखाएं, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिवान के ललित बस स्टैंड से हम आपको दिखा रहे हैं जो मथुरा का कीर्ति मंदिर है, कीर्ति मंदिर को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने है, जो ये लाइव तस्वीरें आप सीधा ये कीर्ति मंदिर का हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान में कीर्ति मंदिर को उतारने का काम किया गया है और तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की लागत से इस कीर्ति मंदिर को बनाया गया है, जो कि सिवान के ललित बस स्टैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं मेला को लेकर के, दसवीं को लेकर के। और अब इसी के साथ हमारी जो एटीएन लाइव की टीम है वो किसी दूसरे पंडाल की तरफ चलेगी और वहाँ से हम दिखाएंगे कि क्या कुछ दशहरा को लेकर के तैयारी है, और पंडाल जो माता रानी का दरबार है वो कितना सज धज कर तैयार है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, ललित बस स्टैंड, सिवान।